हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। अब ये थ्योरम के नाम से ही हम समझ गए कि ये कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल में। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे हमें एक्यूट एंगल्स पता है। एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसे ट्राइंगल से रिलेटेड एक थियोरम है, तो उस थियोरम में एक स्टेटमेंट होगा। तो चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दैट मींस एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एक एक्यूट एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, दैट मींस ये कौन सा ट्राइंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। अगर ऐसा ट्राइंगल है, स्टेटमेंट बोलता है, देन द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3 अपॉन 2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी हमें ये थियरम अप्लाई करना है वहां पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ये ए बी सी, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज एक एंगल 90 डिग्री है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स है, उसमें से एक एक्यूट एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री। वो हमें पता है एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। That means, हमारे पास अब ये स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है और तीसरा एंगल 90 डिग्री। दैट मीन्स ये ट्राइंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। सो इसमें हम अभी ये स्टेटमेंट आगे देखेंगे और रिजल्ट क्या है। तो पहले लिख लेते हैं, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट हैपेंस, देन हमारा रिजल्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं, कहा गया द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड, 30 डिग्री ये है, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? सही सोच रहे हैं, सही देख रहे हो आप, वो है ए बी। तो ए बी के लेंथ के बारे में कहा गया है दैट द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, माने ए बी का लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का लेंथ जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ है। हाइपोटेन्यूज माने यहाँ पे ए सी साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, इसका हाफ है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये फर्स्ट रिजल्ट है। दैट मीन्स हमने ये देखा कि जब भी ऐसा ट्राइंगल है जहां 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, याद रखना साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये एक रिजल्ट है। और एक रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट देखिए क्या है, द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। अब 60 डिग्री कौन सा है, ए, उसके सामने वाला साइड कौन सा है, बी सी। तो ये कह रहे हैं कि बी सी का जो लेंथ है दैट इज √3 अपॉन 2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स √3 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। क्या ये हमें मिल गया? तो आप बोलोगे यस, हमें ये मिल गया। तो ये है ये थियरम। तो अब ये थियरम समझ भी गए, ये रिजल्ट भी समझ गए, पर याद रखना हमने हमेशा सीखा है जब भी कोई थियरम है तो पहले ये समझे कि थियरम के लिए रिक्वायर्ड क्या है, हम कभी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एक एक्यूट एंगल 30 है, दूसरा एंगल 60 है, इन शॉर्ट अगर हमारे पास एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो हम ये थियरम अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। अप्लाई करके हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दो चीजें मिलती हैं, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री मिलता है जो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, और साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री मिलता है जो 2 3 अपॉन 2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज है। यस, तो समझ गए। और थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो पहले दिखाइए कि वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है, उसके बाद लिखेंगे बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, ये लिख सकते हैं। तो इसका रीजन होगा साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, फिर ये लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट होगा साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। सो दैट मींस ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमें दिख गया तो हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो हम ए बी भी फाइंड कर सकते हैं और बी सी भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, वेरी इजी, सिंपल है। तो बहुत ही इजी एप्लीकेशन। और एक चीज, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिए, मतलब ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है, इसमें अगर कोई भी हाइपोटेन्यूज के अलावा ए बी या बी सी, इन दोनों में से एक साइड अगर दिया है,
तो भी हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज अगर ए बी दिया है तो हमें पता है ए बी क्या है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, तो अगर ये दिया है तो उसके मदद से हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, और एक बार हाइपोटेन्यूज मिल गया तो हम इसी फाइंड कर सकते हैं साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है ना इजी। तो आप इसे समझ ही गए होंगे, अच्छा भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप सिमिलैरिटी प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें, 1.4 के लिए यहाँ क्लिक करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।